Dear student, now we will check what is the relationship between molarity and normality. Normally, you need to remember for an acid, normality of solution of an acid, एक acid के लिए normality क्या होता है? Molarity into basicity. ठीक है, बेसिसिटी मतलब अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज H2SO4 इसका मोलारिटी कितना है, सपोज 5 है. ठीक है, तो व्हाट विल बी द नॉर्मेलिटी? तो वेरी इजी, तो फॉर्मूला क्या है? N = N (m). n मतलब क्या होता है? एसिड के लिए बेसिसिटी. तो यहाँ पे व्हाट इज द एसिडिटी, बेसिसिटी मतलब डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन आयन कितना है यहाँ पे? H+ आया 2 है, तो द बेसिसिटी विल बी 2. एंड व्हाट इज द मोलारिटी गिवन? मोलारिटी इज 5, सो द नॉर्मेलिटी विल बी 10 नॉर्मल. ठीक है, बहुत ही इजी था. तो चलो अभी हम लोग देखेंगे नॉर्मेलिटी बेस के लिए क्या होगा. नॉर्मेलिटी of solution of an base, एक बेस के लिए क्या होता है? मोलारिटी इंटू एसिडिटी. बेस के लिए क्या होगा? एसिडिटी होगा. मतलब क्या होगा? N = N (m). यहाँ पे भी वही है, लेकिन यहाँ पे दिस N इज फॉर एसिडिटी. और एसिडिटी क्या होता है एक बेस का? सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं NaOH. ठीक है, तो इसका एसिडिटी कितना है? इसका एसिडिटी है 1. 1 क्यों है? क्योंकि इसमें डिस्प्लेसेबल माइनस OH ग्रुप कितना है? 1 ही है. हो गया. तो अगर तुम्हें पूछा गया ये द नॉर्मेलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 2, सपोज इसका नॉर्मेलिटी 2 है, आपको क्या निकालना है? m निकालना है. तो फॉर्मूला इज व्हाट? N = N (m). ठीक है, तो यू नो द वैल्यू ऑफ n, दिस स्मॉल n इज फॉर दिस इज 1, तो m = 2. समझ में आ गया? तो बाय यूजिंग दिस लॉ, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी. ओके.